और आबाद हो गए। अलग दलीला से हम भी सब बच्चे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली रूटीन बाय रिजवाना गुम्बल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी लंच का टाइम है तो चलो हम लंच बनाते हैं। सुबह को मेरे हस्बैंड को तो मैंने नाश्ते में टिफिन बॉक्स दे दिया था, बस अभी मुझे सिर्फ रोटियां ही बनानी है, तो चलिए हम रोटियां बना लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ रोटियां ही बनानी थी क्योंकि सुबह में मैंने नाश्ते में जो मेरे हस्बैंड का टिफ़िन बॉक्स बनाया हुआ था वहीं पे मैंने सब सब्जी वगैरह बना ली थी संभारा। तो अभी मुझे सिर्फ रोटियां ही बनानी है। तो मारिया जो है वो खाना खा के चले गए हैं ट्यूशन में अभी, तो उनका टाइम 2 बजे का है तो वो 1:30 बजे तक खा लेते हैं, फिर कंप्लीट होके ट्यूशन में निकल जाते हैं। तो यहाँ से 1:45 को निकलते हैं तो 2 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि चल के जाते हैं तो रास्ते में टाइम तो लगता है और ट्यूशन थोड़ा दूर है, नज़दीक में नहीं है इसीलिए। और यहाँ पे खाने में लंच के टाइम में मैं, अलवीरा और आफरीन हम 3 ही लोग हैं इसीलिए मैं बस थोड़ी सी ही रोटियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ पर दूध भी आ गया है तो मैं इसे गर्म करने रख दूँगी। और अभी इस टाइम पे धूप अच्छी आ जाती है हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने दूध भी गर्म कर लिया है और मेरी रोटियाँ भी बन रही हैं साथ ही में। तो अभी इस टाइम में यहाँ पे सब दरवाजे और खिड़कियाँ खोल देती हूँ, दोपहर के टाइम में बहुत अच्छी धूप आ जाती है। और देखिए हम 3 लोग लंच करने बैठ गए हैं, तो आप भी सब हमारे साथ बिस्मिल्लाह कीजिए। तो ये गुवार और आलू का सालन है, ये रोटियां हैं। तो यहाँ पे मैंने भाजी साफ कर ली है और इसके मैं बनाऊंगी मेथी के थेपले, तभी इसे मैं कट कर लूंगी। और कट करने के बाद इसे मैं भिगो दूंगी ताकि इसमें जो मिट्टी लगी होती है ना वो बैठ जाए, तो उसे 5 मिनट तक मैं भीगने दूंगी। पे मैंने इसे बारीक बारीक कट कर लिया है, देखिए अब इसे मैंने भिगो दिया है। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है, अब इसमें मैंने लहसुन छील लिया था और उसे कूट लिया है, तो अब 1 टेबलस्पून इसमें मैं लहसुन डाल दूंगी और इसे सोते होने देंगे। अब इस लहसुन को हम धीमी आंच पे और 2 हरी मिर्च भी मैंने कट करके इसमें डाल दी है, देखिए इसे। अब इसमें हमने जो मेथी की भाजी भिगोई हुई थी वो डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। और गैस की फ्लेम हम फास्ट कर देंगे और इसमें अब हम नमक और हल्दी डाल देंगे। नमक और हल्दी डाल देंगे, अच्छी तरह से सोते होने देंगे ताकि इसकी जो कड़वाहट है मेथी की बिल्कुल भी नहीं रहे और इसमें जो पानी होता है ना वो सारा हम इसको सोखने देंगे अच्छे से। ये हम ज़्यादा लेते हैं फिर भी बनाते हैं तो थोड़ी ही हो जाती है। मेथी भाजी तो ऐसी ही होती है कि हम ज़्यादा भी ले ले तो थोड़ी ही हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे हमारी भाजी ने पानी एकदम सोख लिया है, अब इसे हम ठंडा होने देंगे। गेहूँ का आटा ले लिया है, जो हम नॉर्मल रोटी बनाते वही हम मैंने आटा लिया है। तब इसमें हम नमक डाल देंगे और हल्दी पाउडर ना डाल देंगे इसमें, और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे
और जो गरम मसाला है वो डाल देंगे और आमचूर पाउडर, इतना आमचूर पाउडर डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हरा धनिया भी हम डाल देंगे इसमें, जो मैंने कट करके भिगो दिया था पहले से ही। और इसमें आमचूर का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास आमचूर नहीं है तो आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। और हम 2 टेबल स्पून यहाँ पे ऑयल डाल देंगे। अब जो मैंने भाजी बनाई हुई थी वो अब इसमें हम ऐड कर देंगे इस आटे में। सब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, पहले हम सब इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, इसके बाद ही हम देखेंगे कि इसमें कितना पानी जाता है, फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे अच्छे से गूंद लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके इसे अच्छे से गूंद लेंगे। यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया है, कितना सॉफ्ट आटा है आप देख सकते हैं, इसे एकदम मुलायम वाला आटा है ये। तो यहाँ पे मैं हरी चटनी भी बना लूँगी थेपलों के साथ। तभी विंटर का मौसम है तो चटनी अच्छी लगती है और हरा धनिया भी ताज़ा मिल जाता है तो सबको अच्छा लगता है खाने में चटनी। तो यहाँ पे मैंने चटनी कूट ली है, तभी इसे मैं तल लूँगी। और यहाँ पे मैंने पापड़ भी तल लिए थे। स्टार्ट कर दिया है थेपले बनाना और थेपले तो थोड़े मोटे ही होते हैं, एकदम पतले थेपले नहीं होते, थोड़े मोटे ही बना ही जाते हैं। पापड़ सब कंप्लीट है, अचार के साथ भी इसे खाते हैं तो अच्छा लगता है थेपले। अब इसे हम थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे सेक लेंगे। इस तरह से बनाते हैं हम गुजराती थेपला और बनाते वक्त खुशबू तो इतनी अच्छी आती है, आप एक बार जरूर ट्राई करना ये मेथी वाला थेपला। तो चलिए आप सब भी हमारे साथ डिनर कीजिए। तो आज ही हमारा डिनर का मेन्यू है और दस्तरखान लग चुका है, तो आप भी सब हमारे साथ बिस्मिल्लाह कीजिए। तो यहाँ पे मैंने दही भी निकाल लिया था और जो मैंने अचार बनाया था गाजर का वो भी, और मैंने हरी चटनी बना ली थी और थेपले है और गेहूं के पापड़ भी तल लिए थे, तो इसके साथ चाय भी अच्छी लगती है। लेकिन अभी हमें कोई को भी किसी को भी चाय नहीं पीनी थी, इसीलिए मैंने चाय नहीं बनाई है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड तीखे गाठिए भी लेके आ गए थे। तो अल्लाह ताला सबके दस्तरखान इसी तरह सजाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। विंटर के मौसम में भाजियाँ भी अच्छी मिल जाती है, तो एक बार आप जरूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छे वाले बनते हैं ये थेपले। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।
और बेल आइकन को जरूर टच करना, क्योंकि मेरी जो अगली वीडियो नई आई उसके आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और एक लाइक जरूर कर देना। इसी के साथ चलते हैं अगले व्लॉग में, मिलते हैं। दुआ में खास याद रखना। अल्लाह हाफिज़।